हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनदर वीडियो में। दोस्त, आज मैं आप सबको मणिधर विलेज में जो रूम दिखाने वाला हूं, जो कि फैमिली और बैचलर के लिए है। ये जो आप बिल्डिंग देख सकते हैं, ये बैचलर के लिए रूम है और अंदर जो है वो फैमिली के लिए आपको रूम दिखाने वाला हूं। यहां पे लगभग एक साथ 400 से 500 लड़के रहते हैं यहाँ पर, और फैमिली भी रहते हैं अंदर साइड। स्पेशल उसके लिए है रूम, जिसमें किसी किसी रूम में एसी भी लगा हुआ है, जो फैमिली वाले रूम है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये मणिधर विलेज का है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्त, यहाँ पे जो देख सकते हैं, ये मणिधर विलेज का एंट्री गेट है, जहाँ पे जो है दोनों साइड में दो बड़ा बिल्डिंग है, जिसपे जो है बैचलर्स रहते हैं, TDSU और सुजुकी के जो एम्प्लॉय रहते हैं यहाँ पे। और सामने जो देख सकते हैं, यहाँ पे जो है फैमिली के रूम है, और लगभग लगभग यहाँ पे जो 300 से 400 ऐसा जो है वो रूम है। आप देख सकते हैं दोनों ऊपर नीचे दो बिल्डिंग है यहाँ पे। नीचे फ्लोर में भी रहते हैं और ऊपर फ्लोर में भी रहते हैं। ये जो है वो व्यू है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसका लुक जो है काफ़ी क्लीन है, नेट है, और यहाँ पे बिल्डिंग का जो आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है देखने में। और ये इसी तरह का जो है लगभग 4 से 5 ब्लॉक आपको देखने को मिलेगा, और सब में जो है वो फैमिली रहता है इसमें, और किसी किसी में जो है बैचलर्स भी रहता है। और फैमिली के लिए काफ़ी सेपरेट है यहाँ पे, उसके लिए स्पेशल दिया गया है वो ब्लॉक, जो कि उसमें सिर्फ फैमिली रहता है। ये मैं अभी जो एक फैमिली का रूम एंट्री कर रहा हूँ, जो कि अभी रिसेंटली शिफ्ट हुआ है यहाँ पर। फैमिली लाए नहीं है, बट अभी उनके लिए मैंने ही रूम देखा था ये, और वो अभी जो है यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। तो आप देख सकते हैं नीचे में भी फैमिली रहते हैं और ऊपर में भी फैमिली रहते हैं। तो फैमिली जो रिसेंटली शिफ्ट हुआ, उसका रूम मैं आपको दिखाने वाला अभी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर में जो है वो दो रूम है, और पहला रूम आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी फर्निश्ड है यहाँ पे, जो कि पूरा बेड लगा हुआ है, और यहाँ पे अलमीरा वगैरह भी है, स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है। आपको फैन वगैरह भी दिया गया है, और ये सामने से जो है वो बालकनी का व्यू आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये बालकनी का व्यू है, जो कि काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपको नियरेस्ट शॉप भी मिल जाएगा, तो आपको किसी तरह का कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली है। और ये सेकेंड रूम है, जो कि इसमें AC लगा हुआ है। अभी AC का इसमें कुछ मेंटेनेंस काम चल रहा है, इसलिए नीचे पड़ा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भी जो बेड है, गद्दे हैं और अलमीरा है। और सामने एक बाथरूम है, जो कि वो भी काफ़ी अच्छा कंडीशन में है। जो ये दोनों रूम का जो है ओनली 6000 रूम रेंट है, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल रूम है, और इसमें फर्निश्ड भी है। तो इतना सस्ता रूम आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा पूरा बेचराजी में। 6000 में आपको पूरा अच्छा रूम दिख रहा है, और यहाँ से आप छत का भी व्यू देख सकते हैं छत में। और छत में जो है फैमिली के लिए स्पेशल है, फैमिली जा सकता है, बैचलर के लिए जो है छत में अलाव नहीं है। अभी ये जो है इसमें टंकी साफ हुआ है आज ही के दिन, तो इसीलिए ऐसा आपको पूरा छत का ऐसा दिख रहा है। बाकी ये ऊपर का व्यू आप देख सकते हैं, काफ़ी सारा बिल्डिंग से है यहाँ पे मणिधर विलेज में। और सुजुकी कंपनी से ओनली 5 किलोमीटर दूरी में है, तो यहाँ आपको कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली है जाने में, और ऑटो वगैरह भी लगा रहता है। थैंक यू।